दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद् गीता भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले पवित्र ग्रंथों में से एक है। सचमुच यह एक पुस्तक नहीं बल्कि पूरा एक दर्शन है जो लोगों को जीवन का सही मतलब, मानवता और कर्म का पाठ पढ़ाती है। आज हम बागेश्वर दर्शन चैनल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 101 महत्वपूर्ण विचारों से आपको अवगत कराएंगे, ताकि यह आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। अधिकांश लोग बीते हुए समय का पछतावा कर और भविष्य की चिंता करके जीवन को नरक बना देते हैं। कल में क्यों जीते हो, दोनों कल कभी नहीं आता है। बीते हुए कल से सीखो और आज में जियो, आने वाला समय बेहतर होगा। भविष्य की योजना बनाकर वर्तमान में जीना ही सार्थक जीवन है। आजकल हमारे देश के अधिकांश युवा बीते हुए समय का पछतावा कर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और अपने जीवन को तनावग्रस्त बनाकर नरकिया बना लेते हैं और डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। उनके लिए भगवद गीता किसी अमृत से कम नहीं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 101 महत्वपूर्ण विचारों को। पहला विचार, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा विचार, बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलता है। पहला, सकारात्मक सोच। दूसरा, एकाग्रता। तीसरा, सच्ची लगन। चौथा, दृढ़ संकल्प। पांचवा, निरंतर प्रयास। तीसरा विचार, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। चौथा विचार, सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता है, इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारी समझदारी है। पांचवा विचार, झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना ही बहुत बड़ी गलतफहमी कहलाती है। छठा विचार, स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियों को जन्म दे सकती है, इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए। सातवां विचार, स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बने, आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। आठवां विचार, बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। नवां विचार, जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखती है। दसवां विचार, मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं। ग्यारहवां विचार, श्री कृष्ण कहते हैं जिसे होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। बारहवां विचार, बिना किसी प्रयास के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना ही नहीं कर सकते। तेरहवां विचार, यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। चौदहवां विचार, असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। पंद्रहवां विचार, उम्मीद से ज्यादा किसी से अपेक्षा मत करना, क्योंकि वहां व्यक्ति को निराशा ही मिलती है। सोलहवां विचार, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। सत्रहवां विचार, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। अठारहवां विचार, जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाते हैं। उन्नीसवां विचार, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता, और यह शरीर तो किराए के घर की भांति है जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। बीसवां विचार, कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उससे मिलने वाले फल की। अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल की प्राप्ति कर पाओगे। इक्कीसवां विचार, क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसला ले पाना कठिन हो जाता है। बाईसवां विचार, यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे हैं तो फल कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। तेईसवां विचार, बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है, मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो। चौबीसवां विचार, मनुष्य का मन परिवर्तनशील है, हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेगी जिस तरह के लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। पच्चीसवां विचार, मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वह देखता है, सुनता है, समझता है।
26वां विचार, जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीद से कहीं अधिक मिलता है। 27वां विचार, बड़े लक्ष्य के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील बनना होगा। 28वां विचार, फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। 29वां विचार, जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीद के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाते तो वह निराश और दुखी हो जाता है। 30वां विचार, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 31वां विचार, बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपने इंद्रियों का गुलाम बना देती है। 32वां विचार, जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। 33वां विचार, किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। 34वां विचार, कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। 35वां विचार, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। 36वां विचार, कर्म अच्छा हो या बुरा वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल को प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता है। 37वां विचार, सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर, उन्हीं के आदर्शों पर चलकर, उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। 38वां विचार, संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। 39वां विचार, बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। 40वां विचार, जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 41वां विचार, ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। 42वां विचार, ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। 43वां विचार, किसी का भला करके कभी एहसान न करना, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। 44वां विचार, ये सोच करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं, आप तो मात्र एक माध्यम है। 45वां विचार, क्रोध करना व्यर्थ है, यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। 46वां विचार, मन की शंकाओं को कभी जन्म ना दो, ये शंकाएं मन में गलतफहमियों का पहाड़ बना देती है जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। 47वां विचार, यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। 48वां विचार, उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। 49वां विचार, मन को सदैव नियंत्रित करके चलें, अन्यथा यह मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। 50वां विचार, ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होनी चाहिए, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। 51वां विचार, एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जिससे कि वह स्वयं ही काबिल बन सके, न कि काहिल। 52वां विचार, जो व्यक्ति फल आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है। 53वां विचार, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। 54वां विचार, दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। 55वां विचार, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 56वां विचार, फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। 57वां विचार, कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो।
58वां विचार, शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया ऐसी लालसा से बाहर आ जाता है। 59वां विचार, किसी भी वस्तु, जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। 60वां विचार, जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा व उम्मीद नहीं रखना। 61वां विचार, अध्यात्म से जुड़ा एक आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। 62वां विचार, लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा, इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ें और स्वयं ही अपना मार्ग तय करें। 63वां विचार, जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। 64वां विचार, बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। 64वां विचार, किस बात को लेकर परेशान हो कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो, क्या होगा क्या नहीं ये ईश्वर पर छोड़ दो। 65वां विचार, जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। 66वां विचार, स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो, नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। 67वां विचार, एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, इसलिए ज्ञानी बनो। 68वां विचार, जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। 69वां विचार, वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें कहीं बातों को अपने जीवन में अवतरित न करे, उनका पालन न करे। 70वां विचार, रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं, उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। 71वां विचार, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ, मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक। 72वां विचार, वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक सीमित है, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण ना किया जा सके। 73वां विचार, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, तुम क्यों भयभीत होते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। 74वां विचार, मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। 75वां विचार, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा तब तब उसका विनाश कर धर्म के पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। 76वां विचार, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दान सात्विक माना जाता है। 77वां विचार, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है, ऐसे मनुष्य के मन पर सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 78वां विचार, जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। 79वां विचार, गृहस्थ ही वह समाज में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाना धर्म का पालन करने से भी बड़े तप के समान होता है। 80वां विचार, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ न जाने दो, जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाले मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। 81वां विचार, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि है अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो वह मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। 82वां विचार, वासना, क्रोध और लालच यह नरक के तीन द्वार होते हैं। 83वां विचार, जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है, इसलिए वर्तमान को खुश होकर जियो। 84वां विचार, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सब जन्म याद है लेकिन तुम्हें नहीं। 85वां विचार, खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। 86वां विचार, ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपने इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता है। 87वां विचार, अच्छे कर्म करने के मौके कभी ना छोड़ो, कर्म करो, फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। 88वां विचार, बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलकर रहेगा। 89वां विचार, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरे निष्ठा से करता है।
90वां विचार, जो मनुष्य ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। 91वां विचार, जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है, जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। 92वां विचार, निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। 93वां विचार, मनुष्य की हर क्रिया प्रतिक्रिया उसकी सोच पर ही आधारित होती है। 94वां विचार, डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर चिंताएं बढ़ाती हैं, जो मन का सुख चैन सभी छीन लेती है। 95वां विचार, किसका डर है तुम्हें, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का, तुम एक आत्मा हो जो कि अजर और अमर है। 96वां विचार, तुम युगों युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो, अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ, अपने कर्मों को सिद्ध करके जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना है, जरूरतमंद की नहीं स्वार्थ मदद करना है। 97वां विचार, जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। 98वां विचार, कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वह मनुष्य दिल का साफ और कर्म का नेक, ईमानदार और भला मनुष्य होना चाहिए। 99वां विचार, मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूँ, अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा 56 भोग भी मेरे लिए तुच्छ है। 100वां विचार, नी स्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना, ये तमाम कर्म मेरी भक्ति करने के समान ही है, ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय होते हैं। 101वां विचार, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूले। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण राधे राधे।